तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जो ये डिलोस की तरफ से आने वाला S25490 सेटअप बॉक्स है। इसके साथ जो ये यूनिवर्सल रिमोट आता है, इसको अपने जो टीवी का रिमोट होता है उसके साथ कैसे पेयर करते हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो सेटअप बॉक्स के साथ आने वाला जो यूनिवर्सल रिमोट है, जो कि डिलोस के S25490 सेटअप बॉक्स के साथ आता है, इसके जो ये टीवी कंट्रोल वाला एरिया है, इसके अंदर ये कुछ बटन दिए हुए हैं, इनको आप अपनी जो टीवी का रिमोट होता है उसके साथ पेयर कर सकते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि अगर आपका एंड्रॉयड टीवी है और उसका ब्लूटूथ वाला जो रिमोट है, तो आप इस रिमोट के साथ उसको पेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इंफ्रारेड पे काम करता है और ब्लूटूथ वाला रिमोट ब्लूटूथ पे काम करता है, तो वो इसके सिग्नल रीड नहीं कर सकता है, मतलब ये उसके सिग्नल सीख नहीं पाएगा। तो और अगर आपके टीवी का रिमोट है जो ऐसे इंफ्रारेड वाला ही है, तो आप इसको वो सिग्नल्स सिखा सकते हो। तो अभी जैसे मेरे पास ये एक सेटअप बॉक्स का ही रिमोट है, तो मैं इसे एज ए टीवी का रिमोट करके आपको इसमें डाटा फीड करके दिखाऊंगा। इसकी जगह आप अपने जो टीवी का रिमोट है जो कि इंफ्रारेड पे काम करता है उसको काम में लीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो अपना ये जो नए वाले सेटअप बॉक्स के साथ जो रिमोट आया है, इसके अंदर जो सेट बटन है इसको प्रेस करके रखेंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो रेड कलर की लाइट है ये थोड़ा तेज जलने लग गई। इसका मतलब है अब ये लर्निंग मोड में आ गया। अभी ये मैं इसको जैसे वॉल्यूम प्लस का बटन इसको लर्न कराना चाहता हूँ, तो वॉल्यूम प्लस का मैंने यहाँ पे दबा दिया है। अब ये ब्लिंक कर रहा है, तो मैं दूसरे रिमोट के अंदर भी वॉल्यूम प्लस का बटन ऐसे दबाऊंगा और ये स्थिर हो जाएगा। इसका मतलब है ये सीख गया। इसी तरह फिर अब मैं इसको वापस फिर से दबाऊंगा, अब ये वापस लर्निंग मोड में आ जाएगा। ये लर्निंग मोड में आ गया। अब मैं यहाँ पे वॉल्यूम कम का बटन है वो यहाँ पे फीड करूंगा, तो मैं इसको एक बार दबाऊंगा, ये लाइट ऐसे ब्लिंक करने लग जाएगी। अब मैं जिस रिमोट का इसमें फीड करना है उसका भी वॉल्यूम कम का बटन दबाऊंगा ऐसे, और ये देखिए ये लाइट स्थिर हो गई है। इसका मतलब इसने इसको लर्न कर लिया है। अब मैं वापस सेट का बटन दबाऊंगा और ये सेव हो जाएगा। तो इस तरह से इसने वॉल्यूम प्लस और माइनस का जो है वो इस वाले रिमोट के जो सिग्नल्स थे वो इसमें कॉपी हो गए। तो इस तरह से आप अपने जो इंफ्रारेड रिमोट है जो कि टीवी का रिमोट है उसके सिग्नल आप इसमें कॉपी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपका एंड्रॉयड टीवी है तो आप उसके जो ब्लूटूथ रिमोट के सिग्नल है इसमें कॉपी नहीं कर पाएंगे। होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और होप इस वीडियो के थ्रू आपको थोड़ी मदद मिली हो, तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय।